बिरादरान मिल्लत और अज़ीज़ान गिरामी, काबिल क़दर काबिल मुअज़्ज़ज़ बड़े ही अदब अहतराम के मुस्तहिक़ मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, और दूर दराज बैठी हुई अपने घरों के अंदर समाज फरमाने वाली हमारी दीनी और ईमानी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा फ़ज़ल व इनाम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया है, और अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए एक ऐसा आइडियल और अल्लाह ताला ने एक ऐसा नमूना भेजा है जो अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी कौमों को अता नहीं फरमाया है। उसको तमाम ने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जाना है। मैंने कुरान करीम की चंद आयात आपके सामने पढ़ी हैं। कुरान करीम की इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत को बयान फरमाया है, क़यामत की होलनाकी और क़यामत के वक्त में ज़मीन का जलजला, आसमान का बेनूर हो जाना, सूरज का ख़त्म हो जाना, ज़मीन में जलजले का पैदा हो जाना, और उस दिन के जिस दिन इंसान एक दूसरे को भूल जाएगा, वो दिन के जिस दिन बाप अपने बेटे को भूल जाएगा और बेटा आप को भूल जाएगा, माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और बेटा अपनी माँ को भूल जाएगा, वो दिन के जिस दिन दूध पिलाने वाली वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी वो अपने बच्चे को भूल करके सिर्फ अपनी हालत के बारे में सोच रही होगी, वो दिन के जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला तमाम बादशाहत और तमाम हुकूमत ज़मीन और आसमान की अपने हाथ में लेकर के ज़मीन को जलजला देगा और ज़मीन को सख्त जुम्बिश देकर हिला दिया जाएगा, और उस दिन ज़मीन अपनी तमाम खबरों को बयान करेगी और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, यानी ज़मीन को, जबकि उसके परवरदिगार का ज़मीन को यही हुक्म हुआ। तो उस दिन की कैफियत के जिस दिन सूर फूका जाएगा और तमाम जानदार ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और कब्रों को उखाड़ दिया जाएगा और फिर वहाँ से मुर्दे निकलेंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, उस वक्त को याद करो जबकि उस वक्त तमाम फरिश्ते, इंसान, यहाँ तक के पैगम्बर भी नफसी नफसी का आलम करेंगे, फरिश्ते पुकार रहे होंगे और पैगंबर कह रहे होंगे अल्लाहुम्मा रब्बी नफ्सी, ए अल्लाह तू हमारी जानों को बचा। उस वक्त का हाल क्या होगा, अल्लाह ताला ने इन आयत करीमाओं के अंदर उस बात को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को सख्त जुम्बिश देकर हिला दिया जाएगा, कोई चीज़ हो उसको सख्त जुम्बिश दी जाए और सख्त के साथ में पकड़ करके हिला दिया जाए तो वह चीज़ जो उसमें होती है या तो गिर पड़ेगी या छन जाएगी। ये अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जिस वक्त में ज़मीन को सख्त जुम्बिश देकर हिला दिया जाएगा, वह अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने तमाम बोझ को बाहर निकाल देगी। जैसे कि इंसान के ऊपर कोई बोझ हो और इंसान को सख्त बोझ लग रहा हो या फिर उसको कोई हुक्म दे रहा हो तो वह अपने बोझ को फौरन बाहर डाल देता है या निकाल देता है, अल्लाह हुक्म देगा वह अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और अल्लाह तबारक व ताला उस दिन ज़मीन को हुक्म दे रहा है कि ज़मीन अपनी तमाम बोझ को बाहर निकाल दे। वह अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मालहा, और अल्लाह ताला के सामने ये इंसान कहेगा मालहा, इस ज़मीन को क्या हुआ जिसके ऊपर मैं चलता था, जिस पर मैं फिरता था, मकान बनाए, दुकान बनाई, तिजारत की, बिजनेस किया, तकब्बुर किया, घमंड किया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, बचपन आया, ख़त्म हो गया। वक़ाल इंसान मालहा, इसको क्या हुआ, इंसान अल्लाह के सामने कहेगा वक़ाल इंसान मालहा यौम दिन तुहद्दिथु अख़बारहा, और उस दिन ज़मीन अपनी तमाम खबरों को बयान कर देगी, और क्या बयान करेगी, जिसने इस ज़मीन के ऊपर रहने के बाद में अल्लाह की नाफरमानी की है, जिसने अल्लाह की ज़मीन के ऊपर रहने के बाद में अल्लाह तबारक व ताला की इदात की है, यह ज़मीन इंसान के सामने गवाही देगी और यह ज़मीन बता रही होगी रब्बा ये वह इंसान है जिसने इस ज़मीन के ऊपर खड़े होने के बाद में, तेरी ज़मीन के ऊपर रहने के बाद में तेरी नाफरमानियाँ की थी, रब्बा ये वह शख्स है जिसने तेरी ज़मीन के ऊपर रहने के बाद में जिनाहकारी के अड्डे सजाए थे, रब्बा ये वह शख्स है जिसने
ने तेरी जमीन के ऊपर खड़े होने के बाद में गुंडा गर्दी की थी। रब्बा यही वह इंसान है जिसने लोगों के ऊपर जुल्म बर्बरियत के तूफान तोड़ दिए थे। रब्बा यही वह इंसान है जिसने गला दबाया था, जिसने कत्ल किया था, जिसने गारत गरी की थी, जिसने मार हल्पा था, जिसने इसके चौके लगाए थे और इसको खत्म करने की नापाक साजिश हो रही थी। रब्बा यही वह इंसान है, हाँ यही वह इंसान है कि जिसने तेरी नाफरमानियां कर कर तेरी जमीन को गंदा कर दिया था। रब्बा यही वह इंसान है कि मैं तुझसे कह रही थी, रब्बा मैं ये बात कह रही थी, अल्लाह तू मुझे हुक्म दे दे ताकि मैं इस गुनाहगार को अपने अंदर समेट जाऊं। रब्बा यही वह इंसान है और यह जमीन गवाही दे रही होगी उस इंसान के सामने जिसने रब के सामने खड़े होकर अल्लाह की इबादत की है, नमाजें पढ़ी हैं, तहज्जुद पढ़ी है, इशराक पढ़ी है, चाश पढ़ी है, अव्वबीन पढ़ी है, अल्लाह के रास्ते के अंदर निकला है, कुरान पढ़ा है, कुरान की तालीम हासिल की है, कुरान को समझा है, कुरान की तफसीर पढ़ी है, कुरान की तफसीर समझी है, फुकहा के अकवाल को समझा है, फकीह बना है, आलिम बना है, हाफिज बना है, अल्लाह की इबादत की है, हज किया है, उमरा किया है, हर वक्त अल्लाह की इबादत की है, ये जमीन गवाही देगी और यूं फरमाएगी, रब्बा ये वो शख्स है जिसने तेरी जमीन के ऊपर खड़े होने के बाद में रातों को जागा है, सजदा किया है, तेरी जमीन पर खड़े होने के बाद में फला इंसान को तेरी तरफ बुलाया है। रब्बा तेरी तरफ बुलाने की गवाही दी है, रब्बा तेरी तरफ लोगों को बुलाया है, तेरे से जोड़ा है, सुलह कराई है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ उसको खत्म कराया है, दूसरे का माल नहीं हड़पा, दूसरे की जायदाद नहीं हड़पी, दूसरे का गला नहीं दबाया। अल्लाह यही वह इंसान है जो तेरी जमीन पर खड़े होने के बाद में रातों को तेरी इबादत किया करता था। यौम इदिन तुहद्दिथु अखबारहा, और उस दिन जमीन अपनी तमाम खबरों को बयान कर देगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के सामने तमाम अव्वलीन और अव्वलीन और आखरीन हाजिर होंगे, अल्लाह के सामने मौजूद होंगे, अल्लाह तबारक व तआला लोगों से सवाल करेगा, अल्लाह ताला लोगों से पूछेगा तुमने जिंदगी कैसे गुजारी है, तुमने जिंदगी कैसे गवाई है। आज का नौजवान भी खड़ा होगा, बूढ़ा भी खड़ा होगा, बच्चे भी खड़े होंगे, अधेड़ उम्र के भी खड़े होंगे, औरतें भी खड़ी होंगी, बच्चियां भी खड़ी होंगी, अव्वलीन भी खड़े होंगे, आखरीन भी खड़े होंगे, सहाबा भी खड़े होंगे, ताबईन भी खड़े होंगे, पैगंबर खड़े होंगे, आम खड़े होंगे, खवास खड़े होंगे, तमाम लोगों को जमा करेगा और अल्लाह तबारक व तआला यूं फरमाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना, ए इंसान मैंने तुझे उम्र दी थी उसको कहां गवा करके आया है, उसको कहां लगा करके आया, मैंने तुझे खूबसूरत जिंदगी तुझे अता फरमाई थी वो जिंदगी कहां गई, मैंने माल माल दिया था वो कहां लगाया, मैंने माल देने के लिए सेहत दी थी तुझे तंदुरुस्ती अता फरमाई थी ये तंदुरुस्ती कहां लगा के आया, मैंने कितनी जवानी खूबसूरत बनाई और मैंने कहा वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, रब के सामने खड़ा होगा और रब के सामने खड़े होने के बाद में अन उम्रिही फीमा अफना, रब उससे पूछ रहा होगा, ए इंसान मैंने तुझे जिंदगी दी थी, ए इंसान मैंने तुझे जवानी दी थी उस जवानी को कहां लगा के आया, ये मैंने उम्र दी थी उसको कहां गवा करके आया, जमीन उसके पैरों को पकड़ लेगी और जब तक वो रब के सामने जवाब नहीं देगा जमीन उसके पैरों को नहीं छोड़ेगी और इंसान कहेगा वकाल इंसान मालहा, ए अल्लाह इस जमीन को क्या हुआ, अल्लाह इस जमीन की कैफियत क्या बन गई, अल्लाह ये जमीन जिसके ऊपर मैं चलता था आज इस जमीन को क्या हुआ, इसने मेरे पैर नहीं छोड़े। फरमाएगा अल्लाह ताला अन उम्रिही फीमा अफना, मैंने तुझे उम्र दी थी कहाँ गवा करके आया है, मैंने तुझे कैसी खूबसूरत जिंदगी दी कहाँ लगा के आया है। अल्लाह पूछेगा जवानी दी कहाँ लगाई, बचपना दिया कहाँ गवाया, बुढ़ापा दिया कहाँ गवाया, माल दिया कहाँ खर्च किया, माल कहाँ से कमाया। अल्लाह पूछेगा माल कहाँ कहाँ खर्च किया, क्या हुकूक भी अदा किए नहीं किए, क्या माल भी हड़पा नहीं हड़पा, क्या माल के साथ में क्या किया, अपनी जिंदगी के साथ में क्या नमूना पेश करके आया है। ये बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा और लोगों
अल्लाह के सामने खड़े होने के बाद में इस इंसान को अपने उम्र के बारे में अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, और जब तक अल्लाह के सामने 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेगा, जमीन उसके पैरों को नहीं छोड़ेगी। जैसे इंसान एक दूसरे के पैरों को जकड़ लेता है, जंजीर डाल दी जाती है, बेड़ियां डाल दी जाती है, हथगड़ियां डाल दी जाती है, मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, रब के सामने जमीन तुम्हारे पैरों को पकड़ लेगी और अल्लाह के सामने हाजिर होगी और यूं फरमाएगी, रब्बा इस जमीन को मैंने पकड़ लिया और तू इस जमीन से इस जमीन के ऊपर खड़े होने वाले और जिंदगी गुजारने वाले इस इंसान से सवाल कर और पूछ कर और मालूम कर इससे। अल्लाह पूछेगा, अन उम्री ही फीमा अफना, ए इंसान तुझे मैंने उम्र दी थी कहाँ खर्च करके आया है। दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व ताला बंदे से करेगा, अन शबाब ही फीमा अबला, ए इंसान में जो तुझे जवानी अता फरमाई थी उसे कहाँ खर्च किया है। अन उम्री ही फीमा अफना के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, अन उम्री ही फीमा अफना में इंसान की पूरी ज़िंदगी पैदा होने से और मौत तक के वक्त का जो वक्त है पूरे का पूरा और ज़िंदगी है वह सारी की सारी उम्र के अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन रब ने अलग से सवाल करना है, अन उम्री ही व अन शबाब ही फीमा अबला, इंसान मैंने तुझे जवानी दी थी उसको कहाँ खर्च करके आया है। यानी अल्लाह तबारक व ताला इंसान से जो सवाल करेगा वह उसकी जवानी के बारे में भी दूसरा सवाल करेगा। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने अन उम्री ही फीमा अफना के अंदर जवानी के सिलसिले में भी सवाल कर लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जो जवानी दी है वो इंतहाई बहुत बड़ी नियामत है, और इंसान को अल्लाह ने जो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, जो जवानी के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, जो जवानी के अंदर कुव्वत अता फरमाई है, वह उम्र के दूसरे हिस्से के अंदर अल्लाह ने वह ताकत और कुव्वत अता नहीं फरमाई है। लेकिन आज के नौजवान को क्या हो गया है रब्बा, आज के नौजवान को क्या कैफियत बन गई है, अजीब स्टाइल बना के आता है, अजीब कैफियत बना के आता है। इन लोगों को तो नबी की सूरत से नफरत है, नबी की सीरत से नफरत है, नबी के अखलाक से नफरत है, नबी की शक्ल से नफरत है, बाल भी अजीब बना के आया है, दाढ़ी भी अजीब किस्म की रखी है। कसम खुदा की वह शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसने नबी की सीरत को छोड़ा है, नबी के अखलाक को छोड़ा है, नबी के किरदार को छोड़ा है, नबी की हयात को छोड़ा है, नबी की शक्ल से नफरत की है, नबी के बालों से नफरत की है, नबी की शक्ल से नफरत की, नबी की दाढ़ी से नफरत की, नबी के लिबास से नफरत की। कसम खुदा की वह कामिल इंसान नहीं हो सकता अगर इनमें से किसी भी चीज को छोड़ा है उसने। आज का नौजवान अजीब बाल बना के आता है, लगता है जैसे पहाड़ी चूहा गया हो, इधर के बाल खत्म, इधर के खत्म, पीछे के खत्म, ऊपर रख लिया, लगता है ऊंट के ऊपर कजावा कस दिया गया हो, अजीब स्टाइल के बाल बना के आता है। और लोगों, अंग्रेज आया, अंग्रेज ने आने के बाद में कहा देखो हम मुसलमान को कैसे नचाते हैं, मुसलमान को कैसे नचाएंगे। एक अंग्रेज आया, एक पैंट लेकर के आया, पैंट पहनी, लोगों ने भी उसकी शक्ल इख्तियार कर ली, लोगों ने भी पैंट पहनना शुरू कर दिया। अंग्रेज ने कहा कि देखो मुसलमान को कैसे नचाते हैं, एक दिन पुरानी पैंट रखी हुई थी वो फट चुकी थी, उसे पहन करके आया, मुसलमानों के सामने आया, मुसलमानों ने भी अपनी सही पैंट को यहां से फाड़ लिया, यहां से फाड़ लिया, यहां से फाड़ लिया, और सोचा कि शायद कि आज फैशन बदल गया हो, और देखो मुसलमानों तुम्हें अंग्रेज ने कैसे नचा करके डाला। और मुसलमानों, अंग्रेज ने कहा देखो मुसलमानों को कैसे नचाते हैं, तीसरे दिन पैंट पहन के आया और लेगी पहन के आया, और मुसलमानों के सामने पैंट पहन के आया, हवा भरी हुई पैंट पहन के आया, मुसलमानों ने भी बदल ली, शायद कि आज जो मसला चेंज हो गया हो। यहूदियों ने, ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने मुसलमानों के कैसे नचा करके रख दिया, और मुसलमानों के दिलों के अंदर नबी की सूरत से नफरत, हर एक को हीरो बनने का शौक, अजीब अजीब स्टाइल बना करके आते हैं, लगता ही नहीं है जैसे कि वह इंसान हो, लगता ही नहीं है कि वह जैसे कि इंसान की हयात इख्तियार करके आया हो। और मेरे नौजवान, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, नबी की सूरत से तुम्हें नफरत है, याद रखो नबी ने अगर चेहरा फेर लिया तो फिर कहाँ जाओगे। नबी ने तो तुम्हारी खातिर लहूलुहान होकर देखा था, नबी ने तुम्हारी खातिर पेट के ऊपर पत्थर बांधे थे, और लोगों नबी को क्या जरूरत थी, नबी की तो अल्लाह ताला ने तारीफ बयान फरमाई है। नबी के बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा, आपके चेहरे की बारी आती है, कुरान क्या कहता है वद्दुहा, और नबी के बालों की बारी आती है, कुरान वल्लैल कहता है, नबी के दांतों की बारी आई, कुरान ने यासीन कहा, नबी के दांतों की बारी आई, कुरान यासीन बोलता है, और नबी के हाथों की बारी आई, कुरान बोलता है
वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, और नबी की ज़बान की बारी आई, कुरान ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजला बिही, और नबी के सीने की बारी आई, कुरान ने कहा अलम नशरह लक सदरक ववदअना अनका विज़रक, और नबी के रहमत होने की बारी आई, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और नबी के ज़माने की बारी आई, कुरान ने वल असर कहा, और नबी के शहर की बारी आई, और कुरान ने ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा, और नबी के सहाबा की बारी आई, कुरान करीम ने उलाइकल लज़ीन इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़्वा कहा, और नबी के शागिर्दों की बारी आई, नबी ने उलाइका हुम कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा, और नबी के बशीर होने की बारी आई, और नबी के क़यादत की बारी आई, कुरान करीम ने नज़ीर कहा, और नबी के दावत की बारी आई, कुरान ने दाई इलल्लाह कहा, और नबी के मेराज की बारी आई, कुरान ने सुभानल्लज़ी अस्रा